उम्र किसी चीज की मोहताज नहीं होती। अगर इंसान के अंदर जज्बा है तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया फ्रांस के 105 साल के रॉबर्ट मार्चर्ट ने। रॉबर्ट ने एक घंटे में सबसे लंबी दूरी तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल रॉबर्ट ने 105 साल के ऊपर की श्रेणी में नेशनल वेलोड्रोम में एक घंटे में 22.547 किलोमीटर तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि इससे पहले 2012 में भी उन्होंने ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया था। तब 100 साल की उम्र की श्रेणी में उन्होंने 26.927 किलोमीटर तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड कायम किया था। अपनी जीत के बाद रॉबर्ट ने कहा कि मेरे पैरों में तो दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन हाथों में गठिया की वजह से दर्द हो रहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं चैंपियन बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बस ये साबित करने आया हूँ कि 105 साल की उम्र में आप भी साइकिल चला सकते हैं। वहीं रॉबर्ट ने कहा कि वो इससे भी बेहतर रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 मिनट बचे हैं का संदेश नहीं देखा। तो रॉबर्ट मार्चर्ट ने साबित कर दिया कि कुछ कर गुजरने के लिए उम्र महज एक संख्या है। जुनून और हिम्मत हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखते रहिए डीपी लाइव।